Hello student, good morning. I am from Sankalp International School. Standard 5th subject drawing. Drawing में page number 3 start करते हैं. Draw big and color any one of the given object picture. यहाँ पर जो picture दिए है bucket and water bag या तो box and flower pot. तो आपको सिलेक्ट करना है. तो इसमें जो बकेट एंड वाटर बैग है वो हमने सिलेक्ट किया है. यहाँ पर जो बुक में ड्रॉ किया हुआ जो बकेट है वो मैंने पहले से ही यानी कि पिछले साल की जो मेरे पास बुक है इसलिए ड्रॉ किया हुआ है. तो मैं आपको शेप दिखा रही हूँ. फर्स्ट जो दो लाइन है वो आपको ड्रॉ करनी है, उसके बाद उसका नीचे वाला भाग, उसके बाद उसका जो ऊपर वाला जो राउंड शेप का जो भाग है वो आपको बनाना है, उसके बाद उसके जो दोनों हैंडल है वो बनाने हैं, और जो हैंडल के लिए जो हुक है वो बनाने हैं, उसके बाद उसका हैंडल. ओके, तो हैंडल बन जाने के बाद आप क्या करोगे, जो उसका मिडिल वाला भाग है वहाँ आप डॉट 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 करके उसको बताओगे, जो हैंडल के नीचे वाला भाग है उसको. ओके, उसके बाद उसमें जो पेंसिल कलर है वो आपको करना है. पेंसिल से आप कलर करोगे, अच्छी तरह से पेंसिल कलर करोगे. ये हमारा जो बकेट है वो रेडी हो गया है. ओके, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारी जो वाटर बैग है वो स्टार्ट करेंगे. तो वाटर बैग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर बैग में हम सबसे पहले कैप बनाएंगे. उसकी जो कैप है उसका शेप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसकी जो दोनों नीचे वाला कैप का जो भाग है वो ड्रॉ करेंगे, उसकी दोनों साइड जो है वो बनाएंगे. ओके, साइड बन जाने के बाद उसका जो नीचे वाला शेप है वो हम बनाएंगे. ओके, अब उसकी जो हैंडल है वो बनाएंगे. ये हमारा जो वाटर बैग है वो रेडी होने आई है. ओके, अब उसमें हम जो कलर है सेम कलर जो यहाँ पर हमें दिया है रेडी पिक्चर में जो कलर दिया है वैसे ही रेड एंड येलो बनाएंगे. तो पहले कैप में रेड कलर करेंगे. ओके, उसका जो नीचे वाला भाग है उसमें भी हम रेड कलर करेंगे. उसका जो वन साइड का जो पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, रेड कलर ही करेंगे. अब उसका जो इस साइड का जो पार्ट है उसमें हम कौन सा कलर करेंगे, येलो कलर जो यहाँ पर पहले से ही दिया है. ओके, तो ऑरेंज जैसा येलो कलर हम लेंगे या तो कोई भी येलो हम ले सकते हैं. वाटर बैग का जो एक पार्ट है वो क्या करेंगे, हम येलो कलर का करेंगे. तो यहाँ पर जो हमारी जो वाटर बैग है वो रेडी होने आई है. अब फिर से हम क्या करेंगे, दोनों पिक्चर में पूरी बॉर्डर एक बार पेंसिल से बना देंगे ताकि हमारा जो पिक्चर है वो एकदम अच्छा दिखे. कलर करने के बाद बॉर्डर फिर से करना ज़रूरी है क्योंकि उसका जो शेप है वो अच्छी तरह से हम देख सकें. तो पूरा जो बकेट है उसमें हमने अच्छी तरह से उसका जो शेप है वो फिर से बना दिया. कलर हो जाने के बाद ये शेप जो है वो एक बार बॉर्डर पेंसिल करना ज़रूरी है, हाईलाइट लगेगा. ओके, उसके बाद जो वाटर बैग है उसमें भी हम हाईलाइट करेंगे पेंसिल से ताकि उसका जो शेप है वो अच्छी तरह से हम देख सकें. ओके, तो यहाँ पर जो हमारा वाटर बैग है उसका भी जो बॉर्डर है वो हाईलाइट हो गया है. ओके, तो आप भी कोशिश करोगे सेम उसके जैसा ही पिक्चर बनाने का ट्राई करोगे. ओके, थैंक यू.